हम लोग देखने जा रहे हैं कोक स्टूडियो पाकिस्तान का सीजन 14 का गाना ये दुनिया। तो ये हमने रिकमेंडेशन लिया है मेरे ही किसी सब्सक्राइबर ने जो मुझे सजेशन दिया था मेरे पिछले वीडियो कहानी सुनो 2.0 बाय कैफी खलील पे। तो उन्होंने मुझे कहा था ये वीडियो पे रिएक्शन देने के लिए, तो आपकी हुक्म मेरी सलाखों पर, इसीलिए मैं आ गई हूँ आपके रिकमेंडेशन के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। हमने ये नया रिएक्शन सीरीज स्टार्ट किया है, तो अगर आपके पास कोई भी रिकमेंडेशन है, कोई भी सजेशन है कि मुझे कोई दूसरे वीडियो के ऊपर रिएक्शन देना चाहिए, तो प्लीज डू लेट मी नो। लेकिन अभी के लिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। कुक स्टूडियो सीजन 14। चेहरे बदलते रहे, जिंदगी वैसे ही चलती रही, दुनिया बदलती है कितना कर, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, चलती रही दिल में उदासी, अंधेरों से लेके रोशनी तक, खामियों से खामोशियों तक, होश से लेके बदहोशियों तक, अफसोस नहीं के अफसाने लिखते बहुत सारे अपनी जिंदगी पर, खुदा को देता है बेहिसाब मेरे दर्द में थोड़ी तो कमी कर, खिले ना क्यों यहाँ पर बुला क्यों रही बहार की कमी, बस किस्मत हमारे ही हाथ में है उसके इख्तियार की है कमी, बस वो लोग भी गुजर गए वो घर भी जल चुके, वहाँ कुछ नहीं वहाँ से अब कर दुखे, जख्म तो भरेंगे दोस्त वक्त की मन पे शिकायत, वक्त में मैं दोस्त वो कब किसी के लिए रुका है, तेरा सर पहले ना हाथ हमारे ऊपर से ही दुआ है, कभी कभी आए सोच जो हुआ वो ठीक ही हुआ है, सबर से सबक तो मिले हैं सबर से या मेरी सुला है, कि कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा है। ओके, तो कोक स्टूडियो मैंने जब सुना, मतलब कोक स्टूडियो मैंने पढ़ा कि कोक स्टूडियो का गाना है ये दुनिया, तो आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ रैप टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट वॉज अ लिटिल सरप्राइज फॉर मी। लेकिन जो लिरिक्स उन्होंने यूज किया है, जो भी मतलब रैप पे उन्होंने बोला है, दैट इज टू मच टू गुड। और ये दुनिया जो गाना है उसके लिरिक्स के साथ भी मुझे बहुत अच्छा लगा। लेट्स कीप रॉलिंग। ओके, कोक स्टूडियो पाकिस्तान का गाना ये मैं पहली बार सुन रही हूँ। मैंने मतलब कोक स्टूडियो हमारे यहाँ भी है, इंडिया में भी है, तो मैंने इंडिया का कोक स्टूडियो के साथ बहुत ही मैं फेमिलियर हूँ, मैं सुनती हूँ उनका गाना। लेकिन पाकिस्तान का कोक स्टूडियो का गाना ये मैं पहली बार सुन रही हूँ। इनका सेटअप बहुत ही डिफरेंट टाइप का है, मतलब ऑब्वियसली हर कोक स्टूडियो का गाने का सेटअप सेम नहीं होता है, लेकिन ऐसा सेटअप मैंने कोक स्टूडियो का पहली बार देखा है। लाइक यू नो नॉर्मल जो म्यूजिक वीडियो में होता है, थोड़ा सा रॉक वीडियोज में जब होता है, जैसे अंडरग्राउंड ये वो, मतलब ऐसा एक लुक दिया गया है, तो विच आई लाइक। गाने के साथ बहुत ही मतलब अच्छा एक वाइब क्रिएट कर रहा है, तो आई काइंड ऑफ लाइक इट। और दो टाइप के मतलब यहाँ पर रैपर्स मौजूद हैं, एक थोड़ा सा यू नो हिंदी पे या फिर उर्दू पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, और दूसरा जो है वो थोड़े मॉडर्न टाइप के हैं। तो मतलब मॉडर्न दोनों ही, ऑब्वियसली रैप जो है मॉडर्न है, लेकिन ज्यादा मतलब ये दे रहा है। मुझे एक चीज और अच्छी लगी कि तीनों सबटाइटल्स यूज किया गया है, वो है उर्दू एंड सेकेंड वन इज हिंदी एंड थर्ड वन इज इंग्लिश। तो आप किसी भी अगर कोई भी आप सुनना चाहते हैं तो आपको जो समझ आता है, अगर मतलब फास्ट जब रैपिंग जा रहा है तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपके समझ के लिए तीनों लैंग्वेजेस यूज किए गए, विच आई रियली लाइक। So let's roll.
ग्राफिक्स जो यूज किए गए हैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। फुल ऑफ एनर्जी ये गाना ना, ये दुनिया जो गाना है ज्यादातर मतलब स्पेशली लास्ट में मुझे लिंकिन पार्क वाली वाइब दे रही थी। जब नाम नहीं जानती कौन काराकोरम है, कौन तलहा अंजुम है, कौन फरी साफी है, मुझे नहीं पता, लेकिन लास्ट में जब जो मेन वोकलिस्ट है उन्होंने जब मतलब ये दुनिया बोल के एकदम चीखा, तो मुझे बिल्कुल लिंकिन पार्क वाला मतलब आई फील द मैसेज के मुझे मतलब इन दी एंड वाला फीलिंग्स आया। अगर आपने लिंकिन पार्क का इन दी एंड सुना है तो यू कैन रिलेट टू दिस सॉन्ग। और जब रैपिंग स्टार्ट हुआ ये वो, तो आई कैन रिलेट, हो सकता है कि उनके ऊपर मतलब इंस्पिरेशन वाला मतलब उनका इंस्पिरेशन लिया गया है, दैट इज पॉसिबल। तो ये गाना मतलब अगर मैं बोलूँ तो फुल ऑफ एनर्जी भी है, फुल ऑफ मीनिंग भी है। तो मतलब जो लाइफ की मीनिंग है कि ये दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं है, तो अगर तुम अकेला फील कर रहे हो तो देन मेरी जान खुदा है तुम्हारे साथ। लाइक अगर तुम अकेला कभी भी नहीं हो, तुम्हारे साथ खुदा है, तो दैट इज द मेन मीनिंग ऑफ दिस सॉन्ग। एंड आई लिटरली लव इट। इनका लिरिक्स, जो रैपिंग का लिरिक्स यूज हुआ वो भी मुझे बहुत पसंद आया। और स्पेशली आई कैन आई कुड रिलेट, और मुझे इतना अच्छे से कैसे समझ आया, थैंक्स टू द सबटाइटल्स मुझे मतलब समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर उर्दू तो ऑब्वियसली मुझे आती नहीं है, लेकिन मतलब हिंदी जो है, फिर इंग्लिश, हिंदी के साथ मतलब मैं फिर गा भी रही थी, वाइब भी कर रही थी, तो मुझे बहुत हेल्प हुआ। और लिरिक्स समझने में ऑब्वियसली ना समझने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन बहुत ही अच्छा गाना था, मुझे बहुत पसंद आया है। सच में बताऊं तो रैपिंग मैं इतना पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद आया, क्योंकि मतलब बहुत
स्वीट सा मीनिंग था इस गाने का, तो इसीलिए मुझे बहुत पसंद आया. थैंक्स टू द सब्सक्राइबर जो जिन्होंने मुझे ये सजेशन दिया था ये गाने के लिए. तो ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है कि जब आप लोग मुझे सजेशन देते हैं और मैं उस पर गाना सुनती हूँ. आई फील प्राउड कि हाँ यार कोई तो है जो चाहते हैं. बहुत प्यार मिला था मुझे कहानी सुनो 2.0 गाने पे. मतलब अभी वो ट्रेंडिंग चल रहा है, मैंने सोचा भी नहीं था. मैंने जो गाना कुछ दिन पहले पहली बार सुना था वो अभी इंस्टाग्राम यूट्यूब सब जगह पे वायरल हो गया है. मतलब वो गाना अभी ट्रेंडिंग चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो लव टू द क्रिएटर और लव फ्रॉम इंडिया ऑब्वियसली. जब मुझे उस गाने पे कमेंट्स आ रहे थे कि लव फ्रॉम पाकिस्तान, लव फ्रॉम कराची, किसी ने बोला है लव फ्रॉम कश्मीर, मुझे इतना प्राउड हो रहा था. मुझे कभी भी नहीं लगा कि एनीवेज गाइज ये था कोक स्टूडियो का सीजन 14 का ये दुनिया गाना. आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे जरूर बताना. और जैसे कि मैंने बोला कि आप आपका सजेशन मुझे बता सकते हैं, मैं आपके सजेशन के ऊपर वीडियो बनाने के लिए पूरी पूरी कोशिश करूंगी. और टॉप 3 कमेंट्स को मैंने नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट भी मिलेगा. मेरे प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे जरूर चेकआउट करना. वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज. तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो पे. टिल देन कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग.